हे भगवान, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ और आज मुझे जो मिल जानी चाहिए। इतने सारे पैसे, इनसे तो मेरी माँ का इलाज हो सकता है। इनको रखूँ या दे के आऊँ? नहीं नहीं, ये उनकी मेहनत के पैसे हैं, उन्हें ही मिलने चाहिए। हेलो सर, सर ये आपके पैसे वहाँ पे गिर गए थे। अरे थैंक यू, बट ये पैसे तुम रख भी सकते थे, फिर देने का कारण? कारण ये सर, ये आपके पैसे थे, आपको ही मिलने चाहिए थे, और भगवान मेरे को दो रोटी वक्त पे दे रहा है, मेरे लिए वही काफ़ी है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, ऐसे ही रहना, बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। वैसे तुम कहीं जा रहे हो? सर मेरा आज इंटरव्यू है, मैं वो देने जा रहा हूँ। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर सो मच। भैया जॉब के लिए इंटरव्यू यहीं चल रहा है क्या? जॉब के लिए इंटरव्यू तो यही हो रहे, बट तू क्या करेगा इंटरव्यू देके? भाई मैंने भी अप्लाई किया था। या तो ये गलत आ गया है यहाँ पे, या हम गलत आ गए हैं, क्योंकि इसको देख के लग नहीं रहा कि इंटरव्यू देना आया है। हालत तो देख इसकी। हाँ सही कह रही है तू। यार इसकी कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, ये यहाँ इंटरव्यू देने आ गया। तू एक काम कर, ये 2000 रुपये रख, इससे तेरा आज का किराया भी निकल जाएगा और तेरी आज की दिहाड़ी भी, और सब कुछ खर्चा करके तेरे इसमें पैसे भी बच जाएंगे। अरे रख ले, तूने तो कभी 500 का नोट भी नहीं देखा होगा। चल रख, तेरे काम आएंगे। देखिए मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, मैं सेलेक्ट हूँ या रिजेक्ट, उसे मुझ पर कोई फर्क नहीं। इंटरव्यू देने आए ये लोग। सर मुझे लगता है कि आपकी कंपनी को मेरे जैसी मैनेजर चाहिए। सर मैं चीज़ें ईजिली मैनेज कर लेती हूँ। सर मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर मुझे लगता है कि इस पोस्ट के लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को कंपनी ग्रो कराना आता है, बल्कि तुम्हें अपने आप को कैसे ग्रो करना है वो बहुत अच्छे से आता है। उसके लिए चाहे तुम्हें अपना ईमान बेचना पड़े। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कल को मैं तुम्हारे को अपनी कंपनी में मैनेजर रख भी लूँ, अगर तुम्हें कोई पैसों को ऑफर दे तो तुम बहुत आसानी से कंपनी के सीक्रेट उनको दे दोगे। नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? सर हमारा ईमान बिकाऊ नहीं है, हमने हमेशा अपनी मेहनत का खाया है। मेहनत का खाया? तो आज सुबह जिस आदमी के पैसे गिरे तुमने उसको वापस क्यों नहीं करे? जब मुझे पता लगा कि तुम लोग इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो मैंने तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहा, जिसमें तुम दोनों फेल हो गए और अमित पास हो गया। सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि हमारा टेस्ट हो रहा है। टेस्ट तो अब हो गया और तुम दोनों फेल भी हो गए, अब तुम जा सकते हो, बट जाने से पहले जो सुबह तुमने पैसे उठाए थे वो इस टेबल पे रखे जाओ। और अमित, तुम कल से मैनेजर की पोस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही रहना, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जी सर।